अस्सलाम वालेकुम। बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कराची के हवाले से। कराची में जारी सियासी जो अफरा तफरी और बहुत बड़ी कशमकश थी वह से थोड़ी देर कब इख्तिताम पर पहुंची है। पाक फौज के एक सीनियर ऑफिसर यहां तशरीफ लाए और जिसके बाद सियासी मुफाहमत का एक बहुत बड़ा माहिदा हुआ है PTI पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान। इसमें शरीक थे वज़ीरे आला सिंध मुराद अली शाह, PTI की जानिब से जनाब असद उमर अली जैदी, इसके अलावा हुकूमत सिंध की जानिब से नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, MQM की जानिब से मेयर वसीम अख्तर, जिसके बाद ये तय पाया है कि कराची में सब मिल के कराची की तामीर के लिए तरक्की के लिए काम करेंगे। एक दूसरे के साथ तमाम सियासी जमातें बाकायदा एक माहिदे के तहत मिलकर काम करेंगी कराची के लिए। अब PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM मुश्तरका कराची की तामीर और तरक्की के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़ जाने का फैसला किया है। और एक बार फिर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने पाकिस्तान को दरपेश एक बहुत बड़े सियासी चैलेंज का मुकाबला कर लिया है और ये कराची के लिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत शानदार खबर है जो अब से थोड़ी देर कबल आई है, जिसमें कि PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने जुड़ के कराची की तामीर और तरक्की का फैसला किया है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इस मुलाकात में जनाब असद उमर अली जैदी PTI की जानिब से, वज़ीर आला मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, मेयर वसीम अख्तर MQM की जानिब से थे। और ये कराची के लिए बहुत ही शानदार खबर है जो अभी अभी हमारे सामने आई है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अल्लाह ताला कराची के लिए पाकिस्तान के लिए इस किस्म की मजीद खबरें लाए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो और हमारा मुल्क तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया।